हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल त्रिपद एकेडमी। त्रिपद एकेडमी आप सभी का स्वागत है। तो यार, आईपीयू का लेटेस्ट नोटिस आया है। उस नोटिस में आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है। क्या क्या पता चलेगा आपको? स्पॉट राउंड के बारे में पता चलेगा कि स्पॉट राउंड कब होने वाला है। जिन बच्चों को फीस विदड्रॉ करानी है यार, उसकी भी डेट्स आ गई हैं कि कब से लेके कब तक आप फीस विदड्रॉ करा सकते हो, वो भी डेट्स आउट हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने यार अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, मतलब आईपीओ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, किसी भी में पार्ट नहीं ले पाए थे, या जिन बच्चों ने क्या किया था कि यार उन्होंने पार्ट अकेडमिक फी पे नहीं की थी, इसकी वजह से वो एलिजिबल नहीं थे किसी राउंड में, उन सभी के लिए आ चुका है। आप सभी के लिए खुश होने वाली बात आ चुकी है कि स्पॉट राउंड में आप सभी का होने वाला है। तो यार, वो क्या पूरा प्रोसेस है, कब से डेट है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीज हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार, इसलिए इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लें। ऐसा हम हर वीडियो में कहते हैं लेकिन आप लोग देखते नहीं है, फिर आपके ज्यादा ही डाउट्स बनते हैं। तो यार, शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देख लो, उसके बाद जाके अपने कमेंट सेक्शन में लिखना। सो यार, फिर वीडियो को स्टार्ट कर। यार, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा स्पॉट राउंड, ठीक है, क्योंकि स्पॉट राउंड बहुत बच्चों को जरूरत है अभी कि स्पॉट राउंड कब होगा, स्पॉट राउंड कब होगा, स्पॉट राउंड कब होगा, ये सारे पूछे जा रहे हैं कि भैया बताओ कब होगा, हमें यार समझ नहीं आ रहा, हम किसी राउंड में एलिजिबल नहीं थे, उसकी वजह से हम स्पॉट राउंड में जाना चाहते हैं। कुछ बच्चे हैं जो ये सोच के जा रहे हैं क्योंकि उनका क्या हुआ था यार, वो मतलब रजिस्ट्रेशन ही करना भूल गए। किसी बच्चे ने मतलब वैसे रजिस्ट्रेशन तो कर लिया लेकिन काउंसलिंग वाले जो 1200 रुपए भरने थे वो उन्होंने नहीं भरा। तो यार, बहुत बच्चों का ही ये स्पॉट राउंड की दिक्कत है कि यार स्पॉट राउंड कब होगा, क्या नहीं होगा। तो यार, मैं आप सभी को लेटेस्ट नोटिस दिखाता हूँ, शो भी कर रहा हूँ मैं आपको कि यार लेटेस्ट नोटिस के हिसाब से 25 प्रोग्राम्स हैं, उसमें सारे आपके कवर हो जाएंगे। जितने भी आईपीयू के लगभग प्रोग्राम्स हैं वो सारे प्रोग्राम्स के लिए स्पॉट राउंड एक साथ होने वाला है। यार, उसकी क्या डेट है, ठीक है, तो यार आप देख सकते हो इसमें कि 13 तारीख की डेट है, यानी कि 13 दिसंबर को आपका स्पॉट राउंड स्टार्ट हो सकता है। और पूरा जो पूरे ढंग से मतलब पूरा प्रोसेस जो होने वाला है, फिर 13 के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो सारी डिटेल हमारी 10 तारीख को आने वाली, यानी कल 10 दिसंबर है, तो कल वो पूरा ढंग से पूरा डिटेल निकाल देंगे कि यार क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आएगा कि 13 दिसंबर को होगा, लेकिन बच्चों को यार ये डाउट है कि स्पॉट राउंड में क्या क्या होता है, कौन एलिजिबल हो सकता है। तो यार, स्पॉट राउंड में आप सभी के सभी एलिजिबल हो। जो बच्चे ने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया आईपीयू का, वो सारे बच्चे अभी वो भी क्या है इसमें एलिजिबल हैं। तो आप वो सोचेंगे यार कि कैसे हम एलिजिबल हैं और हमें क्या क्या प्रोसेस करने पड़ेंगे। तो यार, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। जब आप स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके 2000 रुपए लगने वाले हैं। यार, इसमें बहुत बच्चों का ये भी कि जिनको सीट मिल रखी है, जैसे अभी तुम्हें कोई सीट मिल रखी होगी और तुमने कॉलेज रिपोर्टिंग की होगी, ठीक है, कॉलेज रिपोर्टिंग करके तुमने अपना फीस वहां पे पूरा ढंग से रख लिया, ठीक है, कि ये कॉलेज तो मेरा फिक्स हो गया। तो वो बच्चे सोच रहे होंगे क्या हम एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड के लिए, ठीक है। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा आप भी एलिजिबल हो। और मैं ये सोच रहा हूँ यार, स्पॉट राउंड में अगर मैं चला गया तो मेरी ये वाली सीट चली तो नहीं जाएगी। यार, आपने कॉलेज में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, रिमेनिंग फीस दे दी, सब कुछ कर लिया, तो यार तब जाकर क्या ही तुम्हें दिक्कत है, ठीक है। तो वो सीट तुम्हारी नहीं वाली है स्पॉट राउंड में, क्या पता तुम्हें उससे भी अगर अच्छा मिल जाए तो क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ये मेरे को कुछ ने कॉल करके भी पूछा था कि स्पॉट राउंड में क्या प्रोसेस होता है, क्या नहीं प्रोसेस होता है। यार, 2000 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन का लगा, फिर आप स्पॉट राउंड में बैठोगे, ठीक है। तो स्पॉट राउंड में क्या होता है, आपको कोई सा भी कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है, अगर कोई सा कॉलेज अलॉट होता है तो फिर आपसे ये होगा कि यार वो कॉलेज आपका मन है, अगर आपको चाहिए तो वो ले सकते हो, अगर आपका मन नहीं है, जो पुराना कॉलेज है वो आपका तो फिक्स हो ही रखा है, ठीक है। तो यार, जो नया वाला कॉलेज मिला है तो हमने पिछले कॉलेज में फीस भर दी थी, तो क्या दोबारा यहाँ पे फीस भरनी पड़ेगी क्या हमें? तो यार, आप सभी को दोबारा फीस नहीं भरनी है, वो जो उस कॉलेज में आपने जितनी भी फीस भरी थी वो सारी ट्रांसफर हो जाएगी उस कॉलेज में, और बस आपको 5000 रुपए लगने वाले हैं ट्रांसफर चार्ज के, ठीक है। यानी कि 5000 रुपए उन बच्चों को लगेंगे यार जिन बच्चों ने अभी तक मतलब क्या नाम है कॉलेज ले चुके हैं, उसके बाद जाकर दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं, और जिन्होंने भी अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था आईपीयू का, ठीक है, वो सारे तो एलिजिबल हो ही, उनको भी 2000 रुपए देकर के आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो और फिर वो सोचेंगे यार कि कॉलेज में दोबारा मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स ये सब, हाँ, तो जिस कॉलेज में अगर तुम्हें अलॉट होगा तो वहां पे जाए कॉलेज रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स जो आपके थे कि यार स्पॉट राउंड में क्या होता है क्या नहीं होता है,
फीस जो है 2000 रुपए रजिस्ट्रेशन लगेगा और 5000 रुपए आपके ट्रांसफर चार्ज लगने वाले, यानी कि टोटल 7000 रुपए लगेंगे। जिन बच्चों को भी पहले से सीट्स मिल रखी है वो भी चाहते हैं कि स्पॉट राउंड में, क्या पता अगर मुझे कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाए तो मैं ले लूं, ठीक है। तो यह स्पॉट राउंड की डेट तो मैंने आपको शेयर कर ही दी कि 13 दिसंबर से लेके स्टार्ट होने वाला है, और कब तक चलेगा ये तो यार कोई नहीं बता सकता, लेकिन स्पॉट राउंड में जिन बच्चों को भी अभी तक सीट नहीं मिली है, क्या पता उनको सीट मिल जाए, ठीक है। अगर किसी भी राउंड में तुम्हें सीट नहीं मिली तो क्या पता हो सकता है कि स्पॉट राउंड में तुम्हें कोई सीट मिल जाए। अब बच्चे पूछ रहे थे मेरे से कि यार जो अच्छे अच्छे बेस्ट कॉलेज हैं उनके कुछ ब्रांचेस खाली होंगे, यार वो डिपेंड करता है कि उसमें कितनी वेकेंट सीट्स बची हुई हैं, ठीक है। जो भी सीट्स वेकेंट होंगी तो वो सीट मैट्रिक्स निकालेंगे, अभी 10 दिसंबर के बाद निकाले हैं, जो भी सीट मैट्रिक्स में लिखा होगा कि इस कॉलेज में इतनी सीटें बची हैं, इस कॉलेज में इतनी सीटें बची हैं, तो वो सारी चीज उसमें डिटेल्ड में लिखी होगी, तो उससे तुम्हें समझ आइडिया मिल जाएगा कि यार इस कॉलेज में इतनी खाली है तो उस हिसाब से मुझे क्या करना और कौन सा वाला कॉलेज मेरे मिलने के चांसेस हैं। तो यार ये सारी बात मैंने तुम्हें बता दी स्पॉट राउंड। यार अब बात आती है फीस विथड्रॉवल की, यार फीस रिफंड कराना है तो कितने मेरे चार्ज कटने वाले हैं, कितना क्या हुआ, कब से कब तक करा सकते हैं, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। यार लेटेस्ट नोटिस देखो आप, लेटेस्ट नोटिस के हिसाब से जितने ही प्रोग्राम्स थे उनको 8 से लेके 10 तारीख तक, ठीक है, कल तो 8 बीत गया, आज और कल, यानी इतने के बीच में अगर आप फी रिफंड करवा लेते हो तो यार आपको लगभग 100% आपका रिफंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद का अभी कुछ नहीं इन्होंने नोटिस निकाला, क्या उसके बाद होगा विथड्रॉ नहीं होगा ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बताया, लेकिन यार जितने भी बच्चे हो, जिन बच्चों आप तो स्लाइडिंग भी हो गया तो आप तो समझ आ ही गया होगा फीस विथड्रॉ करानी है या नहीं करानी, तो इसलिए अभी आप सभी के पास मौका है कि 8 से लेके 10 दिसंबर तक आप अपना फीस विथड्रॉ करा लो, क्योंकि इसके बाद दोबारा मौका आप सभी को नहीं मिलेगा, या मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार ये मत सोचो जिनको भी फीस विथड्रॉ करानी है वो अपने सारे करा लो। आप कैसे कराएंगे, देखो यार आप सभी के पोर्टल में शो हो रहा होगा फीस विथड्रॉवल, ठीक है, अब तो सभी में शो हो रहा होगा, पहले बीच में नहीं शो हो रहा था, वहां पे जाओ फीस विथड्रॉवल पे क्लिक करो, उसके बाद वो जो भी डिटेल्स हैं वहां पे आपको एक फाइल चूज करने के लिए आएगा। तो बच्चे पूछ रहे थे कि उस फाइल में कौन सा फाइल हमें देना है, तो उसमें यार तुम्हें कैंसल्ड चेक, ठीक है, कोई सा भी चेक लेना उस पर कैंसल्ड लिख देते हैं तो वो कैंसल्ड चेक बन जाता है, ठीक है। तो कैंसल्ड चेक जो है उसे तुम्हें अपलोड करना है उसमें, उसके बाद ही उसी वाले तुम्हारे बैंक में जाएंगे पैसे, ठीक है, तो यार वहीं से तुम्हारा फीस विथड्रॉ हो जाएगा। तो फीस विथड्रॉ का जो दिक्कत है यार वो सॉल्व करो, 8 से लेकर 10 दिसंबर तक अपना पूरा फीस रिफंड करवा लो, बस 1000 रुपए तुम्हारे चार्ज कटेंगे, ठीक है, वरना उसके बाद का फिर पूछोगे, तो इसीलिए मैंने अभी तुम्हें नोटिस दे दिया है, बता दिया है कि यार जल्दी से जल्दी सारे बच्चे अपना फीस विथड्रॉ करा लो। जिन बच्चों को दिक्कत थी यार कि कॉलेज में मैंने रिपोर्टिंग की, भैया रिमेनिंग फीस किससे भरूं, तो यार ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी जो रिमेनिंग फीस है वो कैसे भरना है, वो कॉलेज वाले तुम्हें बताएंगे, मे बी वो हो सकता है वो तेरा तुम्हारा डीडी से ले ले, यानी कि जो डीडी बनवा करके डिमांड ड्राफ्ट बनवा करके उससे तुम्हारे पैसे ले ले, या तुम्हें बोल दे कि ऑनलाइन तुम अपने पैसे पे कर सकते हो, तो तुम चाहो तो वो पैसे अपने ऑनलाइन भी, या ये मुझे पता है कि सबने तुमने कर ही लिया होगा सब कुछ, मैं बस तुम्हें समझाने के लिए गाइड कर रहा हूं कि आज भी कोई नहीं गया तो कल अगर कुछ हो जाएगा 10 दिसंबर को, ठीक है, या जो वहां पे बैठ करके देख रहे हैं और उन सबको भी थैंक यू कहूंगा कि वहां पे भी बैठ के तुम अगर हमारी वीडियोस देख रहे हो तो। तो यार मैंने आप सभी के लगभग सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। लास्ट में जो मेन पॉइंट्स थे इस वीडियो के, क्या था कि स्पॉट राउंड तुम्हारा कब होगा, 13 दिसंबर से तुम्हारा स्पॉट राउंड होने वाला है, और जो ये तुम्हारा फीस विथड्रॉवल है वो 8 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में करवा लो। तो मुझे आशा है कि आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कोई डाउट बचता है यार कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, हम कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे अगर कोई नया क्वेश्चन होगा तो। अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही डिस्कशन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जाके ज्वाइन कर लो, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि लिंक कहाँ पे है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दो, अगर इंफॉर्मेटिव नहीं लगी हो, अच्छी नहीं लगी हो, तो यार डिसलाइक मार के भी तुम जा सकते हो, ठीक है। बस यार बस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।